वेलकम टू कर्मेंको एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजेता श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने ना सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस लेकर आई हूँ। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो एक महीने के बाद होने वाला है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है जो कि है 5 जुलाई, 5 जुलाई। ठीक है, तो हम लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ एक महीना रह गया है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि हम लोगों का जो सीटेट है वो पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। ठीक है ना, पहले अटेम्प्ट में ही हम लोग उसको क्लियर कर लें। तो आपको आज मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि क्या इसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, कितने कितने नंबर के क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो इससे आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। देन आफ्टर प्रोसीड करते हैं उसके बाद हम लोगों को क्या क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है सीटेट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, सीटेट, सीटेट का फुल फॉर्म हमें पता ही है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल पर होता है, पैन इंडिया होता है। ठीक है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, और यूपी टेट जो स्टेट लेवल के पेपर होते हैं, इससे इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, सीटेट, अभी क्या है, ये जो सीटेट है हमारा, सीटेट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके देखना है, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम आता है वो पेपर वन और पेपर टू, देखिए ये है ना पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो होता है वो स्टेज 1 to 5 होता है, मतलब क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और ये जो सेकेंड पेपर होता है ना ये क्लास 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, सीटेट में दो तरीके के पेपर आते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं हम लोग पेपर वन की तरफ। ठीक है, जो ये पेपर वन है हमारा, पेपर वन में प्राइमरी स्टेज, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी स्टेज 1 to 5 होती है, इसमें 5 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि हैं पहला चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको हम लोग CDP भी कहते हैं। ठीक है, जो कितने नंबर का आता है, 30 questions and 30 marks। नंबर टू लैंग्वेज, लैंग्वेज वन हिंदी आइदर इंग्लिश, मतलब एक आपकी कंपलसरी लैंग्वेज होगी और एक आपकी ऑप्शनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, आपका वो भी 30 questions and 30 marks आएगा। ठीक है, फोर्थ इज मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स जो आएगी ना वो आपकी आएगी 1 to 5, क्लास 1 to 5 ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, आप इजिली उसको भी सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है आपका फिफ्थ है वो है EVS, EVS को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ये भी आपका 30 questions 30 marks आता है। तो क्या हुआ टोटल, हमारा हुआ टोटल 150 questions, तो मार्क्स भी हमारे कितने हुए 150 marks। जो ड्यूरेशन है ना वो 2 hours 50 minutes का होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखेंगे ना सेकेंड पेपर में, तो सब कुछ सेम है। एलिमेंट्री स्टेज जो आएगी इसकी, जो सेकेंड पेपर होता है, इसको 6 to 8 से हम लोग देखते हैं कि क्लास 6 to 8 तक का ही इसमें पूछा जाता है। CDP जो है आपकी, वो भी 30 questions 30 marks आती है। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज भी दोनों ही आती हैं, बस इसमें जो EVS और मैथ्स का जो पोर्शन है ना वो चेंज हो जाता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो आता है ना वो मैथ्स एंड साइंस आता है। ठीक है, ये मैथ्स एंड साइंस आता है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सोशल साइंस आता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 60 questions हो जाता है। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन होंगे, जो टोटल मार्क्स होंगे, एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा, जो पेपर वन के लिए है वही पेपर टू के लिए है। ठीक है, बस इसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेपर वन, ठीक है, कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है पेपर वन के लिए। पेपर वन में आपका सबसे पहले CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैदागोजी। ठीक है, इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बाल विकास हो गया, आपका वृद्धि एवं विकास में अंतर हो गया, जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो 15 questions आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 5 questions आपको देखने को मिलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आपका ये जो आपका जो आएगा कंटेंट पोर्शन आएगा, ठीक है, फिर लर्निंग एंड पेडागोजी, पेडागोजी मतलब होता है शिक्षण शास्त्र।
ठीक है, ये पूछा जाएगा। सेम ऐसे ही आपका लैंग्वेज में भी होगा, हिंदी आइदर इंग्लिश, ठीक है। एक आपकी ऑप्शनल होगी और एक आपकी जो होगी वो होगी कंपलसरी लैंग्वेज, ठीक है। 15 क्वेश्चंस का जो वेटेज आएगा वो कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर में आएगा, 15 क्वेश्चंस का होगा आपका पेडागॉजी, मतलब पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना, यही है सिर्फ और सिर्फ इसमें पेडागॉजी में। सेकेंड लैंग्वेज टू की बात करते हैं, तो इंग्लिश एंड हिंदी सेम जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स कंटेंट के होंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स पेडागॉजी के होंगे, ठीक है। एज इट इज ईवीएस में भी ऐसे ही होगा, कंटेंट 15 मार्क्स का आएगा और पेडागॉजी 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेकेंड पेपर, सब कुछ सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी 15 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को आपको जो उनकी जो हैबिट्स होंगी उसके बारे में देखना है, या उनको हमें कैसे टीच करना है उसके बारे में देखना है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो हो गया वो भी 5 क्वेश्चन का वेटेज ले रहा है। लर्निंग एंड पेडागॉजी भी आपका 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सेम जैसा ही फर्स्ट पेपर आएगा, सेम इज इट एज इट इज सेकेंड पेपर आएगा, हल्का सा लेवल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज टू जो है ऑप्शनल और कंपलसरी, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जो आपका वेटेज आएगा 60 मार्क्स का हो जाएगा, और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा फर्स्ट पेपर से, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपका ईवीएस और मैथ्स का 30-30 का पोर्शन था, और इसमें मैथ्स एंड साइंस जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैथ्स और साइंस पूछी जाएगी, ठीक है, और जो आर्ट साइड वाले बच्चे उन लोगों के लिए सोशल स्टडीज मतलब सोशल साइंस पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें भी 40 क्वेश्चंस का जो कंटेंट आएगा और जो पेडागॉजिकल इश्यूज आएंगे वो 20 क्वेश्चंस के आएंगे, मतलब 20 मार्क्स के आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एक आप मान के चलिए ये सिलेबस और पैटर्न के लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो दिया है आपको, जिससे आपको एक हल्का सा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बोलता क्या है, पेपर बोलता क्या है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद आप खुद ही देखोगे कि हाँ अब मुझे आगे कैसे तैयारी करनी है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो अब हम लोगों को बस और सिर्फ मेहनत करनी है, और आने वाले एक महीने में जम के मेहनत करनी है, जिससे हमारा सी टेट का एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।